अकाउंटिंग में भी सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग तुम्हारी लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें अपने डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट की वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों ही मेथड फॉर्मेट को डिस्कस किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन के साथ में वर्टिकल फॉर्मेट को समझते हैं कि कैसे इसको बनाया जाता है, इस बैलेंस को कैसे बनाया जाता है। तुम्हारे पास में क्वेश्चन गिवन होगा, इस टाइप से सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, उस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट तुम्हें क्या करना है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना लेता है, बैलेंस शीट पर्टिकुलर करंट ईयर अमाउंट एंड प्रीवियस ईयर अमाउंट। ओके, अब तुम्हें क्या करना है, शेयर होल्डर फंड्स फर्स्ट लिखना है, सोर्सेस ऑफ फंड्स ए डाल के लिखना है, सोर्सेस ऑफ फंड उसमें फर्स्ट लिखना है शेयर होल्डर्स फंड। अब इसके अंदर वापस स्मॉल ए में लिखना है शेयर्स कैपिटल, कि हमारे पास में शेयर्स की कैपिटल कितनी होगी। तो तुम्हारा क्या करना चाहिए, शेयर्स कितने होते हैं दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर, यानी कि ये तुम्हारा इक्विटी शेयर ये तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर, दोनों की टोटल कितनी होगी 5 लाख और 2,50,000, कितनी हो गई 7,50,000। यहां पर तुम्हें क्या करना है, शेयर्स कैपिटल के साथ में लिखना है 7,50,000। ओके, अब चाहिए सेकंड क्या है तुम्हारा, बी क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। चलो क्वेश्चन में चलते हैं वापस, रिजर्व एंड सरप्लस का है, तो पहला तुम्हारे पास दिया हुआ प्रपोज्ड डिविडेंड, ये भी तो सी क्या रिजर्व है, कि तुमने क्या कर दिया अपने जो शेयर होल्डर्स है उनको डिविडेंड प्रपोज्ड कर दिया, पर तुम्हारे पास अभी वो क्या तुम्हारे पास अवेलेबल है, तुमने पे नहीं किया है, पर तुमने उनको क्या कर दिया प्रपोज्ड कर दिया कि हम तुम्हें देंगे इतना, तो ये क्या होगा तुम्हारे लिए रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, कि ये तुम्हें फ्यूचर में क्या करना है पे करना है। ठीक है, और एक तुम्हारे पास जो पड़ा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस करंट ईयर का, तो तुम्हारे पास रिजर्व एंड सरप्लस कितना हुआ 50,000 प्लस 1,00,000, कितना हो गया 1,50,000। यहां पर लिख दो रिजर्व एंड सरप्लस में कितना 1,50,000। अब बात करते हैं सेकंड क्या है तुम्हारे पास, लोन्स। लोन्स में कितने कितने, एक तो सिक्योर्ड लोन और एक अनसिक्योर्ड लोन। तो तुम्हारे पास क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है सिक्योर्ड लोन कितना है 4,00,000 का और अनसिक्योर्ड लोन कितने का है 5,00,000 का। तो क्या करो डायरेक्टली यहां पर लिख दो 4,00,000 देन 5,00,000, टोटल कर लो कितनी हो रही है 18,00,000। टोटल तुम्हारे पास क्या हो रही है, टोटल हो रही है, इसको बंद कर देते हैं। अब सेकंड स्टेप तुम्हारे पास क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फंड, यानी कि जो 18,00,000 तुमने रिसीव किया है सोर्स ऑफ फंड से उसे कहां कहां यूज कर रहे हो वो देखना भी मुझे करना है। पहला क्या है एप्लीकेशन ऑफ फंड में, पहला क्या है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में पहली क्या है ग्रॉस बुक, यानी कि तुम्हारे पास टोटल फिक्स्ड एसेट्स कितनी है वो पता लगाने के लिए। तो टोटल तुम्हारे फिक्स एसेट तो कौन सी, पहले उसमें देख लेते हैं, एक तो लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट होती है, कितनी है 7,00,000 की लैंड एंड बिल्डिंग अवेलेबल है तुम्हारे पास में। अगला क्या है प्लांट एंड मशीनरी, वो भी फिक्स्ड है, कितना है 10,25,000 की प्लांट एंड मशीनरी है। अगली क्या है मोटर व्हीकल, ये भी फिक्स्ड एसेट है तुम्हारी, कितनी है मोटर व्हीकल 75,000 की। अगला तुम्हारे पास क्या है फर्नीचर, ये भी तुम्हारी फिक्स्ड एसेट है, कितनी है 1,00,000 की। टोटल तुम्हारे पास फिक्स एसेट्स कितनी कितनी, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, लैंड बिल्डिंग हो गई, मोटर व्हीकल हो गया और फर्नीचर हो गया, यानी कि जो अपन ने यूज कर लिया वहां पर क्या लगा लो राइट लगा लो। तो तुम्हें पता है कि ये इन्फॉर्मेशन अपन ने यूज कर ली है, बैलेंस शीट में एक इन्फॉर्मेशन एक बार ही पुट होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गए 19,00,000 की टोटल तुम्हारे पास क्या हो गया फिक्स एसेट्स का ग्रॉस ब्लॉक है। कहां पर आएगा ग्रॉस ब्लॉक, यहां पर लिख दो तुम कितनी 19,00,000 ग्रॉस ब्लॉक हो गया तुम्हारे पास में। अब क्या लेस करना है तुम्हें, डेप्रिसिएशन लेस करना है। तो यहां पर देखो दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन ऑफ फिक्स एसेट्स, कितना दिया हुआ है 4,00,000। ओके, तो यहां पर डेप्रिसिएशन के सामने लिख दो 4,00,000, ये लेस किया अपन ने 19,00,000 में से 4,00,000 गया, बचा कितना तुम्हारा 19 - 4 कितना 15,00,000। तुम्हारे पास में टोटल नेट ब्लॉक कितना है क्या 15,00,000, राइट है। अब तुम्हें अगला क्या दिया हुआ है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो क्वेश्चन में कहीं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है क्या, नहीं है, तो क्या करो इसको डैश कर दो और छोड़ दो। तो टोटल कितनी तुम्हारे पास फिक्स एसेट्स हो गई प्रेजेंट में 15,00,000। ओके, क्या तक कंप्लीट हुआ तुम्हारा। अब
अब क्या करना है तुम्हें, इन्वेस्टमेंट पता लगा क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन कितना है 25,000 एज इट इज अमाउंट के बोलो पुट कर लो 25,000 ओके। अगला क्या है, करंट एसेट्स लोन्स एंड एडवांस, तो तुम्हें पता लगाना है अपनी करंट एसेट कौन-कौन सी है। देखो तुम्हारे पास करंट एसेट्स कौन-कौन सी है, स्टॉक डेटर्स कैश और बैंक, टोटल कितना हो रहा है 6,00,000। तो तुम्हारे पास क्या है स्टॉक में वैल्यू है 2,50,000, तुम्हारे पास क्या है डेटर्स अवेलेबल 5,000, तुम्हारे पास कैश अवेलेबल है और 20,000 तुम्हारे पास बैंक बैलेंस अवेलेबल है, टोटल कितना हो गया 8,75,000। टोटल ये तुम्हारे पास क्या हो गया करंट एसेट्स लोन्स एंड एडवांस। तो तुम क्या करो, थोड़ा सा रफ करता हूं मैं ऐसे जगह, अब इसके सामने लिख दो करंट एसेट्स के सामने कितना हो गया 8,75,000। अब तुम्हें क्या करना है, लेस क्या करना है करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। अब देखो करंट लायबिलिटीज कितनी है, पहला क्या है अनक्लेम डिविडेंड करंट लायबिलिटी है जो कि पे करना है, जो क्लेम नहीं हुआ है अभी तक मुझे तो नहीं है, कैश में देना पड़ेगा मुझे। बैंक ओवरड्राफ्ट जो बैंक से एक्स्ट्रा अमाउंट लिया एडवांस लिया वो पे करना है मुझे। प्रोविजन फॉर टैक्स का प्रोविजन जो भी मिलता है वो सब क्या होती है करंट लायबिलिटी काउंट होती है। क्रेडिटर्स तुम्हारे कितना है 20,000, ये सब तुम्हारी क्या हो गई करंट लायबिलिटी हो गई, यानी कि टोटल करंट लायबिलिटी कितनी हुई तुम्हारी 2,00,000। अब कितने हो गए तुम्हारी करंट लायबिलिटी 6,50,000 ओके, थोड़ा गलत लिख दिया था सॉरी 6,50,000 हो गई। तो यहां पर तुम्हें करना है 6,50,000, टोटल कितनी हो गई अब तुम्हारे पास में करंट एसेट्स कितनी बच गई है 8,75,000 में से तुम्हारी कितनी चली गई 6,50,000 चली गई, तो बची कितनी 2,25,000 ओके। नेक्स्ट क्या तुम्हारे पास है फिक्टिटियस एसेट्स, देखो कितनी है फिक्टिटियस एसेट्स तुम्हारी 50,000 एज इट इज, क्या करो बाहर कुछ कर दो 50,000। अगला तुम्हारे पास क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डीआर बैलेंस ये भी तुमने यूज कर लिया, कहीं है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर बैलेंस जो यूज कर लिया सब। अब कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है इसमें जो आपने यूज नहीं की हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपने यूज कर ली, तो ये तुम्हारा क्या हो गया डीआर बैलेंस के अंदर डैश कुछ भी नहीं है। टोटल करो कितनी हो रही है 15,16,17,18, यानी टोटल कितनी होगी तुम्हारे पास में 18,00,000। क्या हो गया बैलेंस शीट क्या हो गई तुम्हारी सही बन गई, सही हो गई क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड अगर मैच कर जाए 18,00,000 से तो तुम्हारी बैलेंस शीट क्या है राइट है, तुमने जो भी प्रोसेस की वो सारी क्या है सही है, तो इसका मीन्स तुम्हारी जो बैलेंस शीट है वो क्या है सही है। ये तुम्हारी क्या हो गई क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन तुम खुद देना घर में बुक में से और उसे ट्राई करना, अगर नहीं आए तो तुम मुझे पूछ सकते हो बस ओके।